तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौतम मीणा का। वेलकम करता हूँ फिर से मेरे को नई वीडियो के। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक बताऊंगा जिससे कि आप जो है ना सामने वाले एनिमी से आसानी से नॉक हो जाते हो, फिर वो कुछ ऐसे मिस्टेक कर देता है कि आप जो है ना सामने वाले एनिमी को आसानी से मार सकते आज के हो। इस वीडियो के वीडियो अंदर हम इन दोनों के ऊपर बात करने वाले कि आप मिस्टेक करते हो तो आपको सामने वाला एनिमी मार देता है, और अगर आप सामने वाला एनिमी मिस्टेक करे तो आप उसकी मिस्टेक को कैसे पकड़ के उसे मार सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे आप कौन से मिस्टेक कर देते हो जैसे कि सामने वाले एनिमी आपके ऊपर भारी पड़ जाता है, तो वीडियो को आगे देखना और चैनल को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि सामने वाले एनिमी ने कौन से मिस्टेक जिससे कि मैं इसको मार पाया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फाइट है ना, इस फाइट में बहुत ज़्यादा डरा हूँ और हर कहीं गोलियाँ चला रहा हूँ। मेरे को लगता था कि मैं इस फाइट में बिल्कुल मरने ही वाला था, तभी ये सामने वाले एनिमी देख सकते हो बुश बन जाता है। और यहाँ पे जैसे ही ये बुश बनते हैं तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ, रुकता हूँ और आराम से इसको फ्रेम लगा के मारता हूँ। तो देख सकते हो बिल्कुल ये जो है ना आसानी से नॉक हो जाता है। तो कैसे मैं ये बताऊँगा कि ये बंदा इतनी आसानी से नॉक कैसे हो गया। तो चलते हैं अपन थोड़ा रिवर्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है जो एनिमी और जो मैं हूँ ना, हम दोनों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया है और हम लोग ऐसे एक दूसरे को फायर करते रहते हैं। इसमें मेरे काफ़ी सारे गोले चुक जाते हैं और तभी मतलब जो बंदा है ना वो बुश बन जा सकते हो। यहाँ पे मेरे गन बिल्कुल जीरो पे, यानी मेरे गन के अंदर गोले ही नहीं, और जो मेरे सामने वाला एनिमी है जो कि बुश बन चुका है वो भी बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। लोड भी करता हूँ और उसमें मार भी देता हूँ। अगर ये बुश बन के अपनी जगह से थोड़ा हिलता डुलता रहता ना तो नहीं पड़ता, ये मुझे मार सकता था। तो कि यहाँ पे इसकी यही गलती हो गई कि ये बुश तो बना पर ये बिल्कुल भी जो है ना अपनी जगह से हिल नहीं रहा। उसके ऊपर जो अपना एम है ना वो आराम से आसानी से मर गया। ये जगह से हिलता डुलता रहता ना तो उसको मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, वो ये जीत सकता था। यहाँ पे तो कहीं यहाँ पे जो सामने वाले एनिमी ने गलती की है ना वो अपन को नहीं करना। अगर आप क्लच कोड के अंदर बुश बनते हो तो आपको एक जगह पे नहीं रहना, थोड़ा हिलते डुलते रहना है ताकि जो सामने वाला बंदा है ना उसके ऊपर एम ना लगा पाए इतनी आसानी से। तो आपको यहाँ पे ये सीखने को मिला, अगर आप बुश बनो तो अपनी जगह से बिल्कुल हिलते रहना, एक जगह पर नहीं रहना आप भी। तो कहीं अब वक्त हो चुका है मिस्टेक नंबर टू दिखाने का आपको। तो कहीं मैं आप यहाँ से जैसे यहाँ से मुड़ूंगा ना तो अपन को यहाँ पे कहीं फैशन वाला एनिमी नजर आता है जो लकड़ी का बॉक्स है ना उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके पास MP5 है जो कि अपन को यहीं से देख रहे हैं। वो कोंग है, यहाँ पे देख सकते हो शक्ल से पता चल। तो कहते मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि इसने कौन से मिस्टेक किया है जिसकी वजह से अपने ये मेरे हाथों से मरने वाला है। जैसे ही मैं इस एनिमी के पैर के ऊपर गोलियाँ शूट करता हूँ तो ये टीन के ऊपर चढ़ जाता है, मेरे टीन के ऊपर चढ़ जाता है। मैं इसके ऊपर जो है ना गोलियाँ फायर करता हूँ पर ये तभी जो है ना नीचे कूद जाता है, जो उसके कंधे पे है ना वो शॉटगन नहीं आ रही है। मेरे को वहीं पे खड़े खड़े आसानी से मार सकता है शॉटगन लगा के। बताऊँ ये क्या मिस्टेक करता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या मिस्टेक करने वाला है। ये एनिमी है ना जो स्क्रीन पे दिख रही है मुझे अपने पन से मारना चाहता है, ये मेरे पास आ रहे हो, ये इसकी गलती है। कोई मेरे पास पन से मारने आता और मैं इसका क्या हाल करता हूँ। तो वो मुझे अपने पन से मारने आ रहा, देख सकते हो वो कैसे आ रहा है बिगड़। तो ये मेरे को पंच मारना आया था पर देख सकते हो इसने दो हेड शॉट खा लिए मेरे से। देख सकते हो यहाँ पे इतनी अच्छी जगह पे ये मार रहा है, मैं इसको मार भी लूंगा और इसका मतलब जो है ना सामान भी लूट लूंगा। इस मिस्टेक से हमको ये समझ में आता है, अगर आपके पास शॉट गन हो और मतलब एनिमी आपके सामने हो तो उसको अपन को पंच से नहीं बल्कि शॉट गन निकाल के उसकी दो गोलियों से मारना चाहिए, वरना इसकी तरह आप भी मर सकते हो। तो इसकी तरह आप भी गलती मत करना वरना आप भी इसी की तरह मर जाओगे। तो दोस्तों, अब वक्त है मिस्टेक नंबर थ्री बताने का आपको। तो कहते हैं मिस्टेक नंबर थ्री यही है। सो कैसे आपको वहाँ पे खिड़की पे वुकोंग नज़र आ रहा है और जस्ट इमेजिन इस वुकोंग की जगह होते हो और मैं आपका एनिमी होता तो आप क्या करते हैं। आपके पास से भी एक ही रास्ता है, फिर आप इस विंडो से दूर हटे हो या फिर आप वहाँ से मुझे फायर करो, पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, इस वजह से मेरे हाथों से मर जाता है। अगर आप किसी में तो कैसे आप कभी भी ऐसे मूवमेंट में फंस जाते हो तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप उस विंडो से दूर भाग जाओ जहाँ से आपका एनिमी आपको देख सकता है, या फिर उस विंडो से फायर करो जहाँ मतलब कि उसी विंडो से फायर कर दो जो मैं आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है, पर इसने इन दोनों में से कुछ नहीं किया और ये मेरे हाथों से मर जाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त है मिस्टेक नंबर फोर का। तो दोस्तों, जस्ट इमेजिन अगर जो सामने वाला रूम दिख रहा है ना जिसके अंदर ग्रीन कलर का सोफा रखा हुआ है, जिसके अंदर आप हो और आप किसी विंडो से किसी एनिमी को फायर करने में लगे हुए हो, तभी दूसरा एनिमी आपके मतलब कि जिस रूम से आप फायर कर रहे हो ना उसके दरवाजे पर चाहे, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस रूम के अंदर एक एनिमी है पर उसको पता नहीं कि मैं यहाँ पर उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। वो एक किसी विंडो मतलब वो विंडो से फायर करने में वो विंडो से झाँकने में लगा है कि कोई और एनिमी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अंदर घुसूंगा तो वो क्यों खुद को बचा पाएगा, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो अभी विंडो से झाँकने में बिजी होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे मैं इस रूम के अंदर आऊँगा वो मेरे को विंडो से बाहर झाँकता हुआ नजर आया। तो देख सकते हो वो विंडो से बाहर झाँक रहा हुआ है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं यहाँ पीछे खड़ा हूँ। अगर आपके भी ऐसे मूवमेंट के अंदर हो, मान लो आप जो विंडो के सामने खड़ा है वो आप हो और ये मैं हूँ, और अगर आपको पता नहीं है कि आपके पीछे एनिमी है तो आप क्या करोगे? जैसे से बात है आप नॉक हो जाओगे। तो क्योंकि इससे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी विंडो से इतना अच्छे से झाँक रहे हो जैसे कि झाँक रहा है कैमरा जूम कर करके, सो गई तो आपको यहाँ पे ना गेट के पास ग्लू बोर्ड लगा देनी चाहिए ताकि कोई भी एनिमी एकदम से अंदर ना आ पाए।
तो इसने ये ग्लू गोल नहीं लगाई थी, तो मैं अंदर आ गया हूँ, तो अब मैं उसको नॉक कर दूंगा और ये मेरे किल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको अपनी दो शॉटगन की गोलियों से नॉक कर दिया और ये इसी के साथ ये मर चुका है साफ साफ। सो गैस यहाँ पे एक और गोली मारूंगा ये मर जाएगा, तो ये भी मर चुका है। तो गैस अब वक्त हो चुका है मिस्टेक नंबर 5 का, तो जाने के लिए मिस्टेक नंबर 5 पे बनी रही वीडियो में। तो गैस यहाँ पे तो दोस्तों जस्ट इमेजिन, जो विंडो के पास खड़ा है ना वो आप हो, और जो वो बाहर खड़ा है ना वो मान लो कि मैं हूँ आपका एनिमी। सो गाइस आप उसको कैसे मारोगे? तो गाइस आप यहाँ पे देखो तो खुश हो रहे हो कि ये आराम से मेरे हाथों से मर जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि मैं उसे विंडो से देख रहा हूँ और मैं उसे मारने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे अपन लोग जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपन हाँ एनिमी मरने वाले विंडो के, तो अपन गलती कर देते हैं, तो जो अपना तो अपन गलती कर देते हैं, जैसे कि अपन जल्दी फायर करते हैं तो गोली चूक जाती है और एनिमी को पता चल जाता है, या फिर थोड़ी गलत फायरिंग हो जाती है। तो वही गलती मैंने यहाँ पे करी है, तो गाइस आप इस गलती को दोहराना नहीं, देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे ये गलती करी है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में फायरिंग कर दिया और देख सकते हो पूरा पूरा बच चुका है, इसे भी एक हेड पड़ा था 59 का। से अब मैं बूम फेंकूंगा, सो गए तब उसको बम पता चल चुका है कि मैं वहाँ पर हूँ, तो वो वहाँ से जा चुका है। ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। जो आपका एनिमी है ना वो आपसे मिस हो जाएगा, जैसे कि मुझसे मिस हो गया। अब वक्त हो चुका है मिस्टेक नंबर 6 का, मेरे को अपना एक एनिमी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को अपने एक एनिमी नज़र आ रहा है जो कि वो दिमाग छुपा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसने मुझे देख लिया है, फिर भी वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही है। तो कहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, उसने मेरे ऊपर हमला नहीं करा, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे ऊपर कहते तो मैं चौंक सकता था। सो अब देख सकते हो, तो अब देखो मैं उसको कैसे मारता हूँ। तो अपन को पता चल चुका है सामने के एनिमी, और जैसे मैं उसके पास गया बॉर्डर के पीछे, यहाँ पर मैं एक ग्लू बॉल लगाऊंगा। तो कहते अपन यहाँ पर ग्लू बॉल लगा दी है। सो गाइस टाइम टू जस्ट इमेजिन, तो गाइस जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ग्लू बॉल लगाई, जस्ट इमेजिन जिस एनिमी को मैं मारने जा रहा हूँ वो आप हो और आपका एनिमी मैं हूँ। सो गाइस आपके सामने अचानक से ऐसे ग्लू बॉल लग जाए तो आपके दिमाग में क्या होगा? सो गाइस मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, अचानक से सामने ग्लू बॉल लगेगी पहले आप तो चौंकोगे। सो आप तो पहले आप मतलब कि पहले आप सोच में पड़े होगे शायद एनिमी आने वाला है, कि ये एनिमी यहाँ से आएगा, तो आप पहले यहाँ पर तैयार हो जाते हो। मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ दूसरी तरफ से। तो गाइस अपन यहाँ से तेज़ी से भगते हुए जाएँ दूसरी साइड से, और अपन एनिमी तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपने एनिमी है वो सोचा है कि मैं इस गुलू के वहाँ से आने वाला, तो देख सकते हो वो शॉटगन लगा के तैयार हो रहा है। और अगर इसकी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एनिमी आपसे ज़्यादा चालाक हो सकता है, कौन से वे से आ रहा तो वो दूसरे वे से भी आना है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह मिस्टेक करोगे ना कि गुलू को इधर से ही आएगा, तो यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से मतलब जो एनिमी है ना बहुत कम चांस है कि वो यहाँ थोड़ा घूम के ही आता है। सो गाइस आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान ही रखना है, आपको मतलब यहाँ पे कम से कम ध्यान रखना है, आजू बाजू साइड वाइड ज़्यादा ध्यान रखें। हमें यहाँ पे उसको उचक के मारना, सो कि तब मैं यहाँ से पता है इस वॉल के ऊपर से उचक के उसको यहाँ से शूट करूँगा और वो मरने वाला है। तो गाइस देख सकते हो ये शॉटगन लगा के तैयार होगा, मैं उचक के उसको हेडशॉट मार दिया। सो गाइस देख सकते हो वो वहाँ पे आ रहा था ग्लू बॉल के बाहर झाँकने के लिए, कहीं मैं तो नहीं आ रहा, पर उससे पहले मैंने उसको मार दिया है। तो ये ढेर सारी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसे 6 मिस्टेक बताई हैं जो अपन भी करते हैं और एनिमीज़ भी करते हैं। तो गाइस आपको इन मिस्टेकों को थोड़ा सुधार लेना है, ताकि आपको मतलब जो अपने एनिमीज़ को है ना वो आसानी से, और अगर ये वाली गलती आप जो उनसे मैंने एनिमीज़ ने करी हैं और आप भी करते हो, तो आपको भी कोई भी आसानी से मार ले। तो गाइस अब मैं लूँगा आपसे ऐसे एक और अगले मज़ेदार वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो एक कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा।